आज पिहोवा के गांव श्योंसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वन विभाग की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मोर्चरी का पौधा लगाकर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए वनों पेड़ों को सुरक्षित करना होगा। पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पात्र को दर्शन लाल जैन पर्यावरण अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा 75 वर्ष से पुराने पेड़ को संरक्षित करने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन भी दी जाएगी। बता दें, आज पिहोवा वन महोत्सव में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में प्रदेश का 73वां वन महोत्सव श्योंसर जंगल के सरस्वती वन में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए वनों और पेड़ों को सुरक्षित करना होगा। पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पात्र को दर्शन लाल जैन पर्यावरण अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा 75 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ को संरक्षित करने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वन महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम 73 वर्ष से वन महोत्सव मना रहे हैं। इसका काफी महत्व, वनों से मनुष्यों का संबंध बहुत पुराना है। वनों के प्रति हमारी सहानुभूति, वनों में भगवान का वास होता है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नील, 5 तत्वों की हम पूजा करते हैं। हम सभी पौधे लगाने का संकल्प लें और उनकी रक्षा करें। जब तक पौधा पेड़ न बन जाए, औषधीय पौधे हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। मोरनी में पतंजलि के साथ मिलकर हम 50,000 पौधे लगा रहे हैं। ज्योतिषर अक्षय वट वृक्ष के नीचे ही श्री कृष्ण ने गीता का अजर अमर संदेश सुनाया था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पेड़ के नीचे हुई थी। अमृत सरोवर के तहत तालाबों के आसपास पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन हर जिले में लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीवन हर जिले में लगाए जा रहे हैं। किसान को वन उपज के लिए 10,000 प्रति एकड़ वार्षिक 3 साल तक सरकार देगी। हमको ये लकड़ी काम आती है, हमें इसका दुनिया में हम लकड़ी के ऊपर निर्भर है, लकड़ी से अलग नहीं रह सकते। इसलिए मेरा कहना इतना ही है कि जंगल में ज्यादा ज्यादा लकड़ी हो, केवल जंगल तक नहीं अपने घरों में भी हम ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाने का जो संकल्प है, इसको हम तो यानी जो पशु पक्षी और जीव जंतु हैं, जीव जंतु भी पेड़ को बढ़ाने में बहुत बड़ा उपयोग होता है। पशु भी चारा चर के या कोई फल जब खाती है, फल खा करके उसके पेट में जाते हैं, तो जो फलों का बीज होता है, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो जो बीज है वो हजम नहीं होता है। बीज उनके जो है डिस्क्रिशन के माध्यम से बाहर निकलता है। जंगलों में जब फैलते हैं तो वो हजारों के पेड़ों की यानी वृद्धि उस बीज में से हो जाती है। तो वो तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम लोगों को आगे बढ़ करके और इसके अंदर अपना जो है योगदान ये करना चाहिए। पेड़ों को लगाना भी है, पेड़ों को बचाना भी है, पेड़ों को बढ़ाना भी है। अभी प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव इसके ऊपर एक आह्वान किया था कि हम लोग गांव-गांव में जो तालाब है हमारे, उन तालाबों का संरक्षण करें और तालाबों के आसपास इर्द-गिर्द पेड़ लगाएं। हर जिले में 75 तालाब, इनका संरक्षण का उन्होंने आह्वान किया है। तो ये जो अमृत सरोवर नाम उनको दिया, ऐसे अमृत सरोवरों का हरियाणा में हमने काम करना शुरू कर दिया है। इस वर्ष में 2200 ऐसे तालाब चिन्हित किए गए हैं जिनको अमृत सरोवर के रूप में उनका विकास भी किया जाएगा और उनके इर्द गिर्द पेड़ पौधे लगा करके एक हरा वन ये वहां विकसित हो, उसका भी हमें लाभ मिलेगा। कोविड की बात बहुत आ गई है कि कोविड के समय ऑक्सीजन की जो कमी पड़ी, उस समय ध्यान में आया कि ऑक्सीजन बढ़ाने का तरीका वो पेड़ ही है। पेड़ का एक अपना कारखाना ऐसा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हमने ऑक्सीवन की जो बात कही, सारे प्रदेश में 5 एकड़ से 100 एकड़ तक हम यानी सैकड़ों की संख्या में पार्क बनाने जा रहे हैं। करनाल में हमने, पंचकुला में अभी जो दो और बताए गए हैं, एक तो सोनीपत में मूर्थल और यमुनानगर में सढ़ोरा, यहाँ भी दो बड़े बड़े जो वन हैं वो लगाए गए हैं और इसका विस्तार हम और ज़्यादा करेंगे। आप लोगों का सहयोग इसमें चाहिए। आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। पेड़ की कितनी कीमत है इसका कोई हिसाब नहीं लगा पाया है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में पेड़ों का सम्मान करते समय कहा कि एक सामान्य पेड़ जो अपनी एक अच्छी आयु ले चुका है, आज भी हरा भरा है, उसकी आयु एक पेड़ की, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, उन्होंने 72 लाख रुपए आंकी है। एक पेड़ की जो उसकी कीमत है, जो उसके बदले में यानी कोई अगर किसी को पेड़ काटना हो तो सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कहता कि पेड़ काटने मत दो, कि पेड़ जो है बेशकीमती है, अमूल्य है,
मूल्य भी है तो 72 लाख रुपया एक पेड़ की जो कीमत ये उन्होंने आकी, तो कितना महत्व पेड़ को सुप्रीम के आग लगाई दी खेत में और खेत में आग लगती लगती पेड़ों में चली गई, तो सोच लिया पेड़ तो फॉरेस्ट के हैं, मारार फॉरेस्ट का क्या लेना देना, फॉरेस्ट सरकार का है, आम अलग चीज है। तो भाइयों फॉरेस्ट जो है वो आपका सहयोगी है, हमें उसकी मदद करने की जरूरत है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो मारे अपने लिए समस्या है। हम जब कहते हैं कि पराली ना जलाओ आग ना लगाओ, वो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ मिल रहा, समस्या मारी है, मारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी अगर ऐसा हम करते रहे, मारी जमीन बंजर हो जाएगी। भाइयों आप एक बात देखो ना, इंटा है इनका खोरा ना पीस लो और फिर बीज बो, उसमें देखो जम जाएगा, कतई नहीं जम सकता। लेकिन अगर बार बार इस जमीन में आग ही लगाते रहे आग ही लगाते रहे, तो मैं इनके रहा सारी ईंट बन जाएगी, ऊपर से जो कुछ कण है वह सख्त हो जाएंगे और वह ईंट जैसे ही हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आने वाले 50 साल में जमीन बंजर हो जाएगी। हम तो खुश होएगा जा रहे, हम अपने बच्चों देखा जा रहे जमीन भी कोठी भी, लेकिन जिसमें कुछ पैदा ही नहीं होने का। तो ये सारी चीजों की चिंता हम बैठ कर जब करेंगे तब भाइयों बचागा। मारे बुजुर्गों ने चिंता करी, उस टाइम लोग कहते ऐसा करना अगर तुम पेड़ काटोगे पाप है, लेकिन हमने सोच लिया पंडित जी तो वैसे ही बकावा, वो पाप यही हो भाई जो सृष्टि के विरुद्ध है, जो इसके जनता के विरुद्ध है, लोगों के विरुद्ध है, वो हर चीज पाप है, जो इसके पक्ष में है वो सारा कुछ पुण्य है। और भाइयों मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि हम पुण्य के लिए बड़े बड़े काम करा, हम बड़े बड़े भंडारे दें भाई पुण्य लगागा। मैं आपसे एक बात कह रहा, फैसला कर लियो मेरी बात सही कि नहीं, आप एक फलदार पेड़ लगाओ, उस पेड़ पर कितने ही पंछी जो हैं वो अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो अगर वो भंडारा चालू करोगे तो गैस सिलेंडर भी लेना पड़ेगा, हलवाई भी लेना पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। और तुम ऐसे लोगों ने पकड़ कर लाओगे, लीडरों ने, जिन्हें भूख कतई भी नहीं है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती अपनी प्रतिष्ठा के नौके ले आओगे, चलो सरपंच साहब चलो।